और स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। वैसे आज मेरा कोची में दूसरा दिन है और अभी प्लान हो रहा है देखो ब्रेकफास्ट करने जाने का। अब ब्रेकफास्ट करने कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं आसपास में पता करते हैं। पहले कोई जगह मस्त खोजता है खाने के लिए और वहाँ जाकर आपको बताते हैं कि हम लोग क्या खा रहे हो। आप हाँ जी, तो देख लो इधर करने वाले हम लोग ब्रेकफास्ट। गूगल में मैंने चेक करा था तो काफी अच्छा रेटिंग था इनका, पाई ब्रदर फास्ट फूड वैरायटीज ऑफ डोसास। और देखते हैं क्या क्या मिल सकता है यहाँ। ऑलराइट, तो अभी हम लोग 36 पाई डोसा में आ चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पे ना 36 वैरायटीज ऑफ डोसा मिलता है, लेकिन हमें खाना था पुट्टू, लेकिन वो तो यहाँ नहीं मिलता है, यहाँ डोसा मिलता है। पुट्टू हम लोग देखेंगे जहाँ हमारा होटल है ना उसके जस्ट नीचे में ही मिल रहा था, यहाँ पे सिर्फ डोसा मिल रहा है। हम लोगों ने कुछ कांचीपुरम मसाला डोसा ऑर्डर किया है जो बोल रहे थे यहाँ का बेस्ट है। अब मैंने तो बोला बेस्ट डोसा अपना बताओ कौन सा है, तो वो बता रहे थे कांचीपुरम आप ट्राई कीजिए, बताते हैं कैसा है कैसा नहीं है। साथ में हम लोगों ने चाय भी ऑर्डर किया हुआ है। ऑलराइट, तो देख लो ये आ गया हमारा कांचीपुरम डोसा, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, टोटली अलग लग रहा है ये, टोटली अलग। सांभर तो मुझे दिख रहा है और सबसे बड़ी बात अचार भी दिख रहा है, फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ डोसा के साथ अचार भी सर्व हो रहा है, ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। और ये कुछ तो चटनी जैसा लग रहा है, तो चलो ट्राई करते हैं। और एक बात है, पूरा मसाला चारों ओर भरा हुआ है, मसाला देख लो कुछ ऐसा मसाला है इसके अंदर। जो डोसा का टेस्ट होता है ना उससे बहुत ज्यादा इसका जो टेस्ट है ना अलग टाइप का है, थोड़ा अपग्रेडेड है। अंदर का जो मसाला है ना वो भी कमाल का लग रहा है, टोटली डिफरेंट। और ये जो कांचीपुरम डोसा है ना हल्का क्रिस्पी तो है ही, साथ में अंदर में जो स्वीटनेस भी आ रहा है बहुत सही लगा, मजा आ गया खाकर, थैंक यू। और ये हमारा चाय भी आ चुका है, यहाँ पे मस्ट है, डोसा खाओ खाना खाओ डिनर खाओ लंच करो साथ में चाय कॉफी मिलता ही मिलता है। ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मैं, मुझे इतना नहीं पता ये डोसा मतलब किस चीज से बना है कैसे बनता है कांचीपुरम डोसा में फर्क क्या है, लेकिन ये जो मैंने खाया ना अभी तक का खाया हुआ है मेरा वन ऑफ द बेस्ट डोसा है ये कांचीपुरम मसाला डोसा। और बाय द वे इसके अलावा यहाँ पे और भी 36 टाइप का अलग अलग डोसा मिलता है, इधर मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये कांचीपुरम मसाला डोसा जरूर ट्राई करना है। यहाँ का अभी इतना सारा डोसा खाया हो ना इसको खाओ एकदम अलग है यार, इसके साथ खाना ये भी कमाल का लग रहा है, ये भी कमाल का है, ये वाला मस्त लग रहा है। हाँ जी, तो यहाँ से हम लोग ब्रेकफास्ट ट्राई करके निकल चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्राई किया कांचीपुरम डोसा जो कि यार कमाल का था, अभी प्लान हो रहा है यहाँ से जाएंगे हम लोग पुट्टू ट्राई करने के लिए, पता नहीं अभी मिलेगा कि नहीं, वो बोल रहा था कि लेट हो गया अभी कम चांस है मिलने का, लेकिन कोशिश करते हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए अपने होटल के पास, जिस जगह में मेरा होटल है ना एर्नाकुलम साउथ मेट्रो के जस्ट पास में ही है, स्टेशन भी पास में ही है यहाँ से। हमें पता था यहाँ पे मिल जाएगा, काफी लोगों ने बोला था कि आसपास में बहुत सारा जगह है वहाँ पे पुट्टू मिल जाता है, ये पुट्टू है। हाँ जी, तो देख लो हम लोगों ने ले लिया है पुट्टू, ये 10 रुपए करके पीस है, इसको स्टीम करके बनाया जाता है, ये राइस से ही बनता है सर, ये राइस फ्लावर से बनता है, इसको स्टीम करके बनाया जाता है। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मोहित भाई ब्रेकफास्ट में पुट्टू ट्राई करना, ये एकदम इडली इडली जैसा लग रहा है, वैसे तो इस ग्रेवी के साथ खाया जाता है लेकिन मैं एक बार इसको ऐसे ही ट्राई करके देखता हूँ, मैं देख लेता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ड्राई ड्राई सा लग रहा है, मुझे लग रहा है इसको इसके साथ ही खाना चाहिए, ये एकदम ड्राई सा लग रहा है और फ्लेवर भी उतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको जब मैं इस चने के साथ खा रहा हूँ ना, एक ग्रेवी के साथ खा रहा हूँ, इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, मतलब ठीक है खाया जा सकता है, ऐसे सिंपल इसको खाने में तो काफी ड्राई लग रहा है, ये इसके साथ खा सकते हो सकता है, इससे भी बेटर बेटर ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे, ऊपर से ये ठंडा भी है, मुझे मैंने सुना इसको एकदम गर्मा गर्म ट्राई करना चाहिए तब ये एकदम सॉफ्ट सा फ्लफी सा होता है, लेकिन ये थोड़ा कड़ा है देख लो, ये उतना भी सॉफ्ट है नहीं। हाँ जी, तो अभी हम लोग इसको ऐसे ही खा रहे थे स्पून से कट करके, लेकिन इसको ऐसे जब हम लोग तोड़ कर मिक्स करके ग्रेवी डालकर खा रहे हैं ना तब इसका टेस्ट मैं बोलूंगा थोड़ा अच्छा लग रहा है, यही है अगर ये और गर्मा गर्म होता ना और मजा लगता और भी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यही है थोड़ा सा ये मतलब ठंडा हो गया है, सही है इसको मैं ट्राई करूंगा, अगर गर्मा गर्म मुझे कहीं मिलेगा ना तो इसको मैं ट्राई करूंगा। हाँ जी, तो जो लास्ट आप लोगों ने देखा हम लोगों ने पुट्टू खाया, वो खाने के बाद मैं जल्दी से रूम में आया क्योंकि मुझे जल्दी से एडिट करके वीडियो भी लाइव करना था और मुझे यहाँ से निकलना था एलएपी के लिए, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम सब किया, बीच में कुछ भी शूट नहीं हो पाया। और अभी पता है टाइम कितना,
का हो रहा है, अभी शाम का 4:30 बज रहा है और अभी हम लोग निकल रहे हैं एलएपी के लिए। पता नहीं जाएंगे कब, आएंगे कब, देखेंगे। इसलिए बैग वगैरह लैपटॉप लेकर जा रहे हैं। अगर लगता है वहाँ पे स्टे करना है तो कर लेंगे, अगर ऐसे ही अंदर घूम लिए तब तो रात ही रात आ जाएंगे हम लोग। और बाय द वे हम लोगों ने स्कूटी भी चेंज कर लिया है, कल हम लोगों का टीवीएस एंटॉर्क था और आज हम लोगों ने ये वाला ले लिया है टीवीएस जुपिटर। वो बाइक भी काफी अच्छा था लेकिन वो ऑलरेडी दूसरे दिन के लिए बुक हो गया था। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे मैप लगा लिया है, अभी यहाँ से दिखा रहा है 1.5 घंटे लगेगा। और एक चीज अच्छा है, अगर 1.5 घंटे में भी हम लोग पहुँच गए ना तो यहाँ पे जैसा सनलाइट रहता है तो शाम के 7 बजे तक भी पहुँचेंगे तो उजाला ही मिलेगा हम लोगों को। सड़के जितना तारीफ करो उतना कम है, और सबसे मेन बात पता है क्या है, आपको पूरे रोड में शायद ही कहीं ऐसा देखा होगा जहाँ पे गुटका थूका हुआ दिखे मुझे या फिर गंदा दिखे, हर कुछ एकदम नीट एंड क्लीन। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगा। अभी हम लोग किसी एक स्टेशन के सामने रुके हैं, स्टेशन का नाम है चेड़थला। अभी हम लोग चाय ब्रेक के लिए रुके हैं, कंटिन्यू यार, और 25 किलोमीटर बाकी है। ऑलराइट, तो अभी टाइम देख लो 5:43 हो रहा है और अभी तक हम लोगों ने 25-30 किलोमीटर कवर कर लिया है और 20 के लगभग बचा हुआ है, 20-30 के लगभग और बचा हुआ है। यहाँ पे हम लोग को दिखा एक छोटा सा दुकान, चाय पीने के लिए रुके हैं हम लोग वैसे, और यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा भी मिल रहा था, ठंडा है, ये खाते हैं फिर जल्दी से निकलते हैं नहीं तो लाइट खत्म हो जाएगा बाहर। मैंने जो अंदर में आप लोगों को ब्रेड पकौड़ा दिखाया ना साथ में चाय, चाय तो नॉर्मल था, ब्रेड पकौड़ा काफी कमाल का था, एकदम अलग टाइप का ही था। मेरे को लगा एकदम ठंडा सा दिए हैं, पता नहीं कैसा लगेगा, लेकिन एकदम अलग लग रहा था, मालपुआ टाइप था लग रहा था ना, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी भी बहुत मीठा मीठा हल्का, गर्म होता ना और भी कमाल का लगता, और भी कमाल का, सच में गर्म होता तो और भी नेक्स्ट लेवल लगता। चलो और कितना है यहाँ से, ये सामने में ही रेलवे स्टेशन है, बहुत प्यारा है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है। एक बार फाइनल चेक कर ले, फोन है ना, तो यहाँ पे तो मुझे छोटा छोटा बोट सब दिख रहा है, देखते हैं मेन बोट सब कहाँ से मिलेगा। ऑलराइट, तो फाइनली हम लोगों ने अपना एलएपी में होटल ले लिया है। वैसा तो प्लान था हमारा हाउस बोट में स्टे करने का, लेकिन हाउस बोट का जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा अलग है। एक्चुअली क्या होता है, आप जाते हैं हाउस बोट में, वो आपको थोड़ा सा एक राउंड देते हैं, फिर एक जगह स्टे करते हैं, वहाँ पे आप रात भर रुकते हो, उसमें अच्छा नजारा मिलता है। लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते ही थोड़ा रात हो गया तो हम लोगों ने कुछ अलग प्लान बैठाया है। तो हम लोग अभी बाय द वे रमाडा में, तो रमाडा में ही हम लोगों ने अपना रूम भी ले लिया है। वैसे इनका हाउस बोट का भी ऑप्शन है, वो बोल रहे हैं अगर आपको रुकना है तो आप जाके हाउस बोट में भी रुक सकते हो, रात में रुक के क्या ही फायदा, पूरा डार्क रहेगा। हाँ, एक स्टे करने का एक थोड़ा अलग एक्सपीरियंस मिल सकता है, लेकिन नहीं। तो अभी काम करते हैं, रूम में चेक इन करते हैं, बाकी के बाद रूम में जाके बताते हैं कितना बुकिंग पड़ा, क्या पड़ा, सब कुछ रूम में जाके बताएंगे आपको। तो देख लो, ये जो है रमाडा का रिसेप्शन है। तो पापा इधर क्या प्लान करके आए थे, क्या करना पड़ रहा है, क्या से क्या हो गया? हम लोग का तो स्कूटी, हम लोग स्कूटी लेकर होटल में पहुंच गए रमाडा में। Ella quiere farra, 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 ella está soltera.